नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालिनी यूट्यूब चैनल। मित्रों, मैं आज बात करूंगा नेपाल में एमसीसी का खेल जो हो रहा है उस संबंध में। आखिर यह मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन जो है वो अमेरिका से आए अनुदान को 3 वर्ष से यहाँ आंख मिचौनी कर रहे हैं। लोगों को दिखा दिया जा रहा है कि यह मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ला रहे हैं, लेकिन यह लागू नहीं हो पा रहा है। आखिर आज मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। मैं 3 वर्ष पहले, लगभग 3 से 4 वर्ष पहले यहाँ पर एक समझौता हुई मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, इसको EMCC कहा जा रहा है, और EMCC यह अमेरिका द्वारा फाइनेंस प्रोजेक्ट है जो कि नेपाल में 50 से 60 अरब रुपए का लगानी करेगा, और वह भी बिना किसी ब्याज का। लेकिन इसके पीछे एक ही बार इतने लोग विरोध करने में लग गए हैं कि अब इसको 3 वर्ष नहीं, ये 4 वर्ष बीत रहा है, इसको लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर सी हो गई है। आइए मैं बात करता हूँ आज कि कौन कौन लोग हैं इसके पीछे जो नहीं चाहते हैं ये आवे। यानी कि अमेरिका जैसा महाशक्ति को भी धक्का देने वाला आखिर कौन सा देश है, और वह भी नेपाल का पड़ोसी देश। यह निस्संदेह चीन का हाथ है। चाइना का अखबार पोर्टल अगर आप देखिएगा तो उसमें दिन पर दिन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के खिलाफ यह बात आ रही है, इसके विरोध किया जा रहा है, और उसी का असर नेपाल में भी हो रहा है। नेपाल में अगर कहा जाए तो चाइना द्वारा इसके विरुद्ध में कुछ लोगों को पाला जा रहा है। ये आज से नहीं, 2-3 साल से देखा जा रहा है। जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे ही एमसीसी का नाम आता है वैसे रोड पर आ जाते हैं। तो पहले हम आपको मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के बारे में कुछ बात बता दें। लोगों में भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है कि यह एमसीसी आने से नेपाल को बहुत घाटा होगा, इसका अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान है जिसमें नेपाल की राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, यानी अमेरिकी मिलिट्री नेपाल में आ जाएगा। लेकिन दरअसल हमने जब अध्ययन किया तो मैं बता दूं, कुछ दिन पहले हमारा हिमालिनी ऑनलाइन पर यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग से एक संतोष मेहता जी हैं। संतोष मेहता का बहुत अच्छा आर्टिकल हिमालय में आया, ऑनलाइन में अभी भी है। मैं संतोष मेहता जी की यह आर्टिकल कि नेपाल में एमसीसी और चीनी प्रभाव, उससे लेकर आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, उनका मानना है कि यह एमसीसी नेपाल के अनुदानों में जितना अनुदान मिला है उसमें संभवतः सबसे पारदर्शी व्यवस्था है इसमें। लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यह अमेरिकी दादागिरी है। अब इसके थ्रू नेपाल को क्या फायदा होगा? लगभग मैं बता दूं कि 50 अरब कम नहीं होता है। यहाँ से भारत के लिए ट्रांसमिशन लाइन, जो नेपाल बिजली बेच सकता है, अभी भारत से नहीं बेच सकता है, डेली 200 से 300 मेगावाट बिजली पानी में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम भारत नहीं बेच पा रहे हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन बनेगी, सड़क बनेगा, और चीज भी है। दूसरी बात, यह अमेरिका को क्या मिलता है इससे? उसी संतोष मेहता की इस आर्टिकल में ही है जो आखिर अमेरिका क्यों मदद करना चाह रहा है। तो उसके बारे में
स्पष्ट कहा जा रहा है कि अमेरिकी बदलती भू राजनीति के बीच वह नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी बात, जो EMCC की वैश्विक छवि पर कोई खराब असर नहीं पड़े, जो नेपाल अगर नहीं रखता है तो उसकी छवि पर भी, जो विश्व भर में लागू है, उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है। तो लोगों का मानना भी यही है। अब इसमें क्या है कि 2017 में EMCC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें $500 मिलियन अनुदान मिलने वाला है। वहीं EMCC का कार्यक्रम जो है इसमें, उसमें 300 किलोमीटर विद्युत प्रसारण लाइन है जो कि भारत तक बनना है। आपको 77 किलोमीटर रोड है जो और मरम्मत कार्य है इसमें, और कई सारे ऐसे छोटा मोटा इसमें दिया गया है जो कि काम इसमें लागू होगा। अब क्या है कि EMCC की टीम 2010 में नेपाल आई थी, 2011 में नेपाल को औपचारिक पत्र भेजा गया था, और 14 सितंबर 2017 को EMCA नेपाल और EMCC के बीच एक समझौता हुई, और उसको क्रियान्वयन करने के लिए उसमें कहा गया कि इसको संसद से पास किया जाएगा। हाँ, तो इस पर भी अब यहाँ के राजनीतिक पार्टी उठा रहे हैं कि आखिर संसद से क्यों पास किया जाएगा, तो उस पर यह प्रश्न उठ रहा है। लेकिन संसद, ये व्यवस्था इसलिए रखा गया है इसमें कि नेपाल में साल भर में बहुत सारी सरकार बदलती है, कितना प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। ये पहली बार ओली साहब जो है सो 2 साल 2.5 साल चलाए हैं, लेकिन जो सरकार, नया सरकार आती है वह नया व्यवस्था लेकर आ जाती है। जैसे पिछले पश्चिम में देखा गया है कि कई प्रोजेक्ट जिस पर समझौता हो गया है लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है, तो छोटी सरकार रहती है वो सरकारी स्तर पर रद्द कर देती है, उसके हित में नहीं होता है वो रद्द। इसलिए इस समझौता को दिया गया कि संसद से अनुमोदन करो, जो कम से कम से उसमें 50% बहुमत उसमें आएगा, तो इसलिए इसमें रखा गया। लेकिन संसद में सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला व्यक्ति नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुबाल, उन्हीं के द्वारा एक बहुत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, जो संसद में प्रस्ताव नहीं पेश करने दिया जा रहा है, तो ये सब स्थिति है। अब EMCC दस्तावेज में उनका मानना है कि इसमें सैनिक अमेरिकी सैनिक नेपाल में आ जाएगी। अब इसमें EMCC के समझौता में तो कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अमेरिकी सैनिक यहाँ पर आ जाएगी, भले ही इसमें यह दिया गया है कि अन्य इसका उपयोग सैन्य, पुलिस, मिलिशिया, राष्ट्रीय गार्ड और अन्य अर्धसैनिक संगठनों या इकाइयों को सहायता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें अफवाहें हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत EMCC है, जिसका कि इससे कोई संबंध नहीं है। आप इंडो पैसिफिक जब बना तो उससे पहले से बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह योजना, EMCC की योजना, और देश में, गरीब देशों में सहयोग करने की योजना वो कर रही है, जो कि इंडो पैसिफिक से काफ़ी पहले से। आपको बता दें कि यह 50 देशों में इंडो पैसिफिक, ये EMCC की योजना लागू है और वहाँ पर यह चल रहा है, लोग इससे फायदा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिकी सैनिक नेपाल में आ रहे हैं, ये जस्ट इसको हटाने के लिए, जो ये यहाँ लागू नहीं हो। अब इसमें 500 मिलियन रुपये की EMCC सहायता पर हस्ताक्षर हो गया है नेपाल में, यह पहला देश भी नहीं है। कुछ देश जैसे
आर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, कार्बो वर्डे, अल सल्वाडोर, जर्जीनिया, इस ये सभी मिलाकर 50 देश ऐसे हैं जहां की ये चल रहा है। एमसीसी समझौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। नेपाल और एमसीसी समझौते में उस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का पालन किया गया है और उसी के तहत एमसीसी नेपाल में लागू किया जा रहा है। अब इसमें एक दूसरा प्रावधान क्या लाया जा रहा है कि इसका लेखा परीक्षक अमेरिकन संस्था करेगी, ये भी एक गलत है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले यही भीम रावल जी थे, एमाले के सांसद उस समय, और बहुत बड़े नेता हैं। तो ये भीम रावल जी का कहना था कि ये लेखा परीक्षण वहाँ से होगा, जबकि ऑलरेडी लेखा परीक्षण में 4 लोगों को फाइनलाइज कर लिया है और वह नेपाल की संस्था है। तो अब भीम रावल जी ये क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। अब उनको दूसरा तीसरा जो राष्ट्रीयता का प्रश्न दिख रहा है, पहले यही दिखता था। इसी तरह यह देखा गया है कि आखिर यह भ्रम और इसके पीछे क्या है। तो साफ है, चीन को नेपाल में एमसीसी पसंद नहीं है। पिछले साल से चीनी विश्लेषक, जो निसंदेह बीजिंग सरकार के लिए बोलते हैं, एमसीसी के कट्टर विरोधी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। चीनी अखबार पोर्टलों में लगातार एमसीसी के खिलाफ बयानबाजी आती रही है। कोई भी आसानी से ही मान सकता है कि चीन नेपाल की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने के लिए कुछ कर रहा है। अब आपको बता दें, सबसे पहले यह बात तो स्पष्ट है कि उस समय सभामुख थे कृष्ण बहादुर महरा, जो चीन के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने इसको संसद में पेश नहीं होने दिया पहली बार। बाद में वो हट गए, लेकिन अभी भी जो माओवादी के सभामुख है अग्नि प्रसाद सापकोटा, इन्होंने भी एमाले के टाइम में पुष्प कमल दहाल के निर्देशन में एमसीसी को नहीं पेश होने दिया, और अभी भी यह सापकोटा जी इसी में है। अब मैं बता रहा हूं कि आखिर नेपाल में सबसे ज्यादा विरोध, अगर एक सर्वे के अनुसार जो हमने लिया है, तो उसमें सबसे ज्यादा सीपी मैनाली, जो आज से नहीं, काफी पहले से इसको, जैसे ही एमसीसी का नाम आता है तो ये उछलने लगते हैं। उसके बाद अभी आप देखिए, 2 साल से सीपी गजरेल चुपचाप बैठे हुए थे, गजरेल जी का नामों पता नहीं था, लेकिन अब जब एमसीसी की बात आई है तब सीपी गजरेल आ गए हैं, टीवी इंटरव्यू देते हैं और बाहर बोल रहे हैं। उसी तरह मोहन वैद्य, ये वैद्य साहब भी उछल रहे हैं। भीम रावल की बात ही छोड़ दीजिए, ये 2 दिन पहले भी उनका आया है, वो अपने ही पार्टी पर लगा रहे हैं उली साहब पर, कि संसद में हल्ला करके ये चाह रहे हैं कि एमसीसी पास हो जाए। और उसके बाद नारायण काजी श्रेष्ठ, जो थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन ये भी माओवादी के तरफ से आवाज उठा रहे थे, और प्रेम सुबाल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनके अलावा भी बहुत लोग हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे पिछले दिन इसकी चर्चा हुई तो सैकड़ों लोगों को रोड पर उतार दिया गया। रोड पर कैसे लोग उतरते हैं, अगर वहाँ पर आप अपना आदमी भेज कर देखिएगा तो स्पष्ट लगता है कि वो भारत का नाम नहीं सुनना चाहता है और वह केवल चीन का नाम सुनना चाहता है। और यही बात है, और यही है कि चीन इसको किसी भी हालत में पास करने देने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। और ये जो 4-5 नाम है सबसे ज़्यादा विरोधी, जब कुछ होता है तो आगे आ जाते हैं। अभी जब शेर बहादुर जी ने इस पर बैठक किया तो कहना है कि शेर बहादुर जी भी अब यह दिखाना चाहते हैं कि हम एमसीसी अब क्या करें, पास नहीं करने दिया, इसके लिए बैठक बुलाए, वो ठीक तरीका से और जबरदस्त रूप से पेश नहीं वो कर रहे हैं। अगर वो पेश करें तो क्या होगा, सो तो पता चल जाएगा। तो प्रचंड जी उनको बता दिए हैं कि अभी रुक जाओ, आज से उनका अधिवेशन है, वो अगर हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। अब उसमें क्या प्रावधान है, क्या सुधार चाहते हैं, वो भी प्रश्न नहीं है।
लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी 3-4 पार्टी दलों की यह सरकार है, तो अब बताया जा रहा है कि डराया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार टूट जाएगी, और यही आरोप दिया जा रहा है कि हम छोड़ देंगे तो हम छोड़ देंगे कहकर यह बता जा रहा है कि अब गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी यदि EMCC को वहां पास कर दिया जाता है। और ये सभी जितने लोग हैं, हालांकि भूपेंद्र यादव की पार्टी थोड़ा सा माइल्ड जरूर हुए हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से इसके समर्थन में नहीं है। बात बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये गठबंधन टूटेगी यह आरोप दिखाकर EMCC प्रस्ताव अब पीछे रखा जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि चाइना अमेरिका से कैसे टक्कर ले रहा है। चाइना किसी भी हालत में इसको आने देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हजारों लोग उतार रहा है और सभी लोग उनके अपने हैं। आप उनके एम्बेसडर को देखिएगा तो इतना ज्यादा वो बिजी है इसमें, कभी कहीं पर रहती है तो कभी कहीं रहती है, और वो हर जगह जा जाकर लोगों को कन्विंस कर रही है, और उसका आदमी सड़क पर आ जाता है जिससे सरकार डरती है। इस प्रकार देखा जा रहा है कि EMCC के खिलाफ चीन अपना अड्डा नेपाल में बना लिया है, और वह भारत नहीं, वह अमेरिका को धमकी दे रहा है कि तुमको आने नहीं देंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा, तो उसमें नेपाली जनता को नुकसान होगा, नेपाली जनता परेशान हो रही है, चीन को तो कुछ नहीं होगा। और नेपाल को जो मिलने वाला है, अभी बैंक की स्थिति ऐसी है जहां की कुछ अभी लगाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, और बैंक राष्ट्र बैंक में जाकर गुहार कर रहे हैं, और ये स्थिति अभी हो गई है। अब ऐसी स्थिति में जब ये 50-60 अरब रुपया चला जाता है वापस, तो इस नेपाल का भविष्य कहाँ जाएगा, यहाँ विकास कैसे होगा, यह बहुत ही शोचनीय बात है। तो मित्रों, मैंने आज EMCC के बारे में जो कुछ हमारी पत्रिका में आई है, एक संतोष जी का इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू नहीं, उसका आर्टिकल है, उस आर्टिकल के आधार पर ये रखा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर EMCC आ जाए, नेपाली जनता को फायदा हो, तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।